अबे यार फ्रैंकलिन, यार तू बहुत ही छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ रहा है, इससे भी बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ना यार। जो यार समुंदर में रहती है भाई साहब, वो तो बहुत ही बड़ी मछली रहती है यार, वो मछली पकड़ना यार। अरे यार चुप, वो तो यार वेल मछली रहती है, वो तो यार सिर्फ समुंदर में ही मिलती है यार। अबे यार चिंचन, क्या बात कर रहे हो यार तुम, पानी में रहती है वेल मछली भी, और भाई साहब यहाँ पर भी तो पानी है। अरे यार शार्क मछली जब हम लोग पकड़ सकते हैं, और छोटा वाला वेल मछली भी पकड़ सकते हैं, तो इसकी मम्मी भी यार इसी पानी के अंदर में होगी। भाई साहब अगर एक भी बड़ी वाली वेल मछली अपन लोग पकड़ लिया ना, तो यार हम लोग उसे बेच करके राजा बन सकते हैं राजा। अरे यार चुप, वैसे भी यार फ्रैंकलिन भैया ने तो आज कमाल ही कर दिया, आज तो यार बहुत सारी मछलियाँ पकड़े हैं, आज यार बेच करके मैं तो यार एक अपने लिए आरसी कार खरीदूंगा। अबे हाँ यार सिंचन, तू ठीक ही बोला यार, मैं तो भाई साहब गोल्ड का एक बड़ा सा मॉन्स्टर कार खरीदूंगा। अबे फ्रैंकलिन जल्दी जल्दी ढेर सारी मछलियाँ पकड़ यार, मैं गोल्ड का मॉन्स्टर कार खरीदना चाहता हूँ। अबे यार चोप, लगता है भाई साहब इस नदी के सारे मछलियों को यार मैं पकड़ लिया हूँ, अब यार नदी के अंदर में एक भी मछली नहीं बचा है। एक काम करते हैं यार, इसको लेकर के चलते हैं भाई सीधे बाजार में। अरे नहीं यार फ्रैंकलिन, तू यार इससे भी बड़ी बड़ी और ज्यादा मछलियाँ पकड़ सकता है यार, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, और भाई साहब मेरे को एक मछली खानी भी तो है यार। अरे यार चोप, इतनी सारी मछलियाँ पकड़े हैं कि भाई पूछो ही मत। अबे यार सिंचन, इसको बताना यार कि यार अगर ये मछली को रोज भी खाएगा ना, तो खा करके खत्म नहीं कर पाएगा। अरे हाँ यार फ्रैंकलिन भैया, चोप की बातों में मत आना यार तू, चोप यार आजकल धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा लालची बन रहा है, चल यार इसे जल्दी से बाजार लेकर के चलते हैं यार। अबे यार फ्रैंकलिन, ये सिंचन का बच्चा मेरे को लालची बोलता है। अबे सिंचन, लालची तो तू है, अभी जैसे ही फ्रैंकलिन भैया पैसे कमाएंगे ना, वैसे ही बोलेगा कि मेरे को चाहिए आरसी कार, तो लालची कौन हुआ, तू या मैं? अरे यार चोप, तो क्या भाई साहब इतने सारे मछलियाँ जो अपन लोग पकड़े हैं यार, अभी बेच के बहुत सारे पैसे कमाएंगे, तो पैसों को क्या करूंगा यार, मैं तो आरसी कार खरीदूंगा। अबे यार सिंचन और चोप, भाई साहब तुम लोग अपना मुंह तो बंद करो, कितना ज्यादा लड़ाई झगड़े करते रहते हो यार, देख रहे हो भाई साहब कितना ही खराब रास्ता है, अगर यार गाड़ी कहीं पलटी मार दी ना, तो भाई सब के सब यहीं पे टपक जाएंगे हम लोग। अबे यार फ्रैंकलिन ऐसा मत बोलो यार, किसी तरह से अपन लोग को बाजार पहुंचा दो। लेकिन भाई साहब मैं तो झगड़ा नहीं कर रहा हूं, ये सिंचन का बच्चा ही झगड़ा कर रहा है यार, बस यार तू मेरे लिए एक डायमंड की कार खरीद देना यार, वो भी मॉन्स्टर वाली। अरे फ्रैंकलिन भैया, मेरे को भी एक मॉन्स्टर कार चाहिए ही चाहिए यार। अबे यार चोप, देख लिया ना तू, तुम लोग के वजह से पिंचन की डिमांड भी बढ़ गई, इसको भी एक मॉन्स्टर की कार चाहिए। अरे यार गाइस, देख रहे हो भाई सब कितने ही खराब रास्तों में यार मेरे को ड्राइविंग करना पड़ रहा है, और इन लोगों को यार चाहिए मॉन्स्टर कार और आरसी कार। भाई सब अपन लोग के पास में अभी पैसे भी नहीं है, और इनकी डिमांड बढ़ गई है यार। अरे यार गाइस प्लीज यार, अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपन लोग को सपोर्ट करो यार, ताकि ये बड़ी सी मछली को भाई सब बेच करके हम यार सिंचन पिंचन चोप के लिए आरसी कार खरीद सके, और यार अपने लिए भी एक गोल्ड की कार चाहिए यार, इसलिए यार प्लीज जल्दी से यार आप सपोर्ट करो अपन लोग को। अरे हाँ यार गाइस, जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, अब हम लोग मछली बेचने वाले हैं बाजार में, और देख लो भाई सब कितनी ही बड़ी बड़ी मछलियाँ लेकर के आए हैं, आज फ्रैंकलिन भैया यार हम सबको यार आरसी कार और डायमंड की मॉन्स्टर कार खरीद देगा यार। अबे यार फ्रैंकलिन भाई सब, सभी मछलियाँ तो हम लोग यार बाजार में लेकर के आ गए, लेकिन यार एक भी आदमी नहीं आ रहा यार इसे खरीदने के लिए। अबे यार चोप, थोड़ी देर और वेट करना यार, अभी देख लेना भाई सब बहुत सारे आदमी आएंगे और हम लोगों की सभी मछलियों को खरीद लेंगे यार। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, कब तक वेट करे यार, तभी से यहाँ पर खड़ा है, लेकिन भाई से एक भी आदमी नहीं आ रहा है। अरे यार ये क्या, वहाँ तो यार लगता है कोई गाड़ी बेच रहा है यार। अरे यार चोप, तू जो मॉन्स्टर कार खरीदना चाहता है ना यार, वो देखो उधर खड़ा है, चल यार तू आजा मेरे पीछे पीछे, भाई मैं तो गया यार मॉन्स्टर कार देखने के लिए। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, यहाँ तो बहुत सारे मॉन्स्टर कार है यार। अरे यार ये क्या, यहाँ तो भाई आरसी कार भी है। अबे यार सिंचन, क्या बोला तू, भाई सब यहाँ पे आरसी कार भी है। अरे हाँ यार सिंचन, भाई सब यहाँ तो बहुत ही अच्छे अच्छे आरसी कार हैं। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, मेरे को यार आरसी कार दिला दो। अरे यार चुप, तुम्हारे लिए तो यार यहाँ पे मॉन्स्टर कार भी है यार। अबे हाँ यार सिंचन, अबे यार फ्रैंकलिन, भाई मेरे को ये मॉन्स्टर कार चाहिए तो चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए यार। अरे हाँ यार चुप, रुक जा यार बात करता हूँ। अबे यार बेनी, ये मॉन्स्टर कार कितनी की है? अरे अरे फ्रैंकलिन, ये तो $1 million की है, तुम्हारे
पास में $1,000,000। अरे नहीं यार बेनी, भाई साहब मेरे पास तो सिर्फ $10 है यार। $10 में होगा क्या? अरे अरे भिखारी कहीं का, चल निकल ले यहाँ से। $10 में तो एक साइकिल भी नहीं आती है, और तू मॉन्स्टर कार की बात कर रहा है। मेरे को सब पता है, तुम लोग सब के सब भिखारी हो, मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो। चल फूट यहाँ से। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, मेरे लिए आरसी कार भी खरीद दो यार। मेरे को आरसी कार चाहिए ही चाहिए। तू यार पैसे जहाँ से भी लाए मेरे को नहीं पता। अरे अरे फ्रैंकलिन, एक आरसी कार भी नहीं खरीद सकता तू। चल फूट यहाँ से, भिखारी कहीं का। अबे यार बेनी, दे देना यार $10 में आरसी कार। अबे यार बेनी, कम से कम आरसी कार का प्राइस तो बता दे यार, कितने की है ये आरसी कार? अरे अरे आरसी कार भी $1,000,000 की है तेरे पास में $1,000,000? अरे यार बेनी, फ्रैंकलिन भैया के पास में सिर्फ $10 है यार, बोल होगा क्या? अरे बोला ना नहीं होगा। अबे यार फ्रैंकलिन, पीछे देख पीछे, भाई एक डायनासोर आ गया यार। अबे यार चोप, क्या बकवास कर रहा है यार तू? अरे हाँ यार, ये डायनासोर नहीं है, ये तो यार एक गोडजिला है, गोडजिला। अरे यार, और उसका एक छोटा बच्चा भी है यार उसके पास में। अरे हाँ यार सिंचेन, लगता है भाई सब ये गोडजिला यार हम लोगों की मछली खाने के लिए आ चुके हैं। अरे यार अपन लोग यार और भी गरीब हो जाएंगे अगर ये लोग मछली खा गए तो। अबे फ्रैंकलिन, मैं यार सभी मछलियों को छुपा रहा हूँ, रुक यार, ये गोडजिला मेरी मछली को खा जाएगा यार। अरे यार गाइस, भाई सब गोडजिला का बच्चा भी है इसके पास में, और यार ये कितना ही ज्यादा खतरनाक दिखता है। अरे यार सिंचेन, जरा इस छोटू गोडजिला को तो देखूं। अरे भाई सब, ये भी कितना ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन भाई सब इसके सामने ये क्या रखा है? अरे यार इसमें तो कुछ लिखा है यार। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, क्या लिखा है यार, जरा पढ़ के तो बताओ। अरे यार सिंचेन, इसमें लिखा है, अगर तुम उस कलरफुल पोर्टल में घुसते हो तो तुम्हें एक बहुत ही बड़ी मॉन्स्टर कार मिलेगी, और अगर तुम दो बार घुसते हो तो तुम्हें गोल्ड की मिलिट्री कार मिलेगी, बस तुमको मेरे दुश्मनों को खत्म करना है। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, क्या क्या लिखा है यार? मेरे दुश्मनों को खत्म करना है, पोर्टल में घुसना है। अरे यार मेरे को कुछ समझ में नहीं आया यार। अबे यार सिंचेन, लेकिन भाई साहब मेरे को सब कुछ समझ में आ चुका है। अरे यार सिंचेन, इस गोडजिला का कोई दुश्मन है, और यार उसे ये लोग खत्म करना चाहते हैं, उसके बदले में यार मॉन्स्टर की कार और भाई साहब गोल्ड की मिलिट्री कार मिलेगी अपन लोग को। अबे यार फ्रैंकलिन, पीछे देख पीछे, लगता है भाई साहब उसी पोर्टल में घुसने की बात बोला गया है इस कागज में। अबे हाँ यार चोप, लगता है भाई साहब तू ठीक ही बोल रहा है, इस बड़े से जादू वाला पोर्टल में घुसने के बारे में बोला गया है उस पेपर में। ये गोडजिला यार लगता है भाई साहब बहुत ही ज्यादा बड़ा है ना, इसलिए यार ये पोर्टल भी बहुत ही ज्यादा बड़ा है, देख रहे हो? अरे यार एक काम करते हैं, चलो यार चलो इसके अंदर घुस करके देखते हैं, हो सकता है यार अपन लोग को यार डायमंड की कार मिल जाए। अरे हाँ यार, अगर मिल गया तो भाई लोग अपन लोग अमीर बन जाएंगे और ये गरीबी की दुनिया से निकल जाएंगे यार। चल यार फ्रैंकलिन भैया घुस जाए यार इसके अंदर में, हम लोग भी यार आ रहे हैं तुम्हारे पीछे पीछे। अरे हाँ यार सिंचेन, तुम लोग भी यार आ जाओ इसके अंदर में। अबे यार फ्रैंकलिन, ये अब अपन लोग यार किस दुनिया में आ गए? अरे यार यहाँ तो सिर्फ डायमंड ही डायमंड है यार। अरे हाँ यार फ्रैंकलिन भैया, यहाँ तो भाई सब बहुत सारे डायमंड है यार। अबे यार सिंचेन, भाई सब इस जगह के बारे में लगता है मेरे को कुछ पता है। अरे यार सिंचेन, भाई सब ये तो लॉस सेंटोस है। अरे यार मेरे को लगता है ना यार सिंचेन, ये यार गोड का घर है, गोड का घर। गोड के घर में ही यार इतने सारे डायमंड रहते थे। अबे यार फ्रैंकलिन, आगे देखोगे भाई सब गोल्ड की यार मॉन्स्टर कार। अरे भाई बल्ले बल्ले। अरे हाँ यार चुप, भाई सब गोल्ड की मॉन्स्टर कार, और यार इसके सामने देख रहे हो कितने सारे हीरे। अरे भाई सब कमाल ही हो गया कमाल। अरे यार चोप, तेरे लिए यार गोल्ड की मॉन्स्टर कार मिल गई। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, ऊपर नजर उठा करके तो देखो यार, दुश्मन अपन लोग को इंतजार कर रहे हैं। अरे यार इन लोगों को जल्दी से जल्दी खत्म करो। अरे भाई साहब वो जो है यहाँ पर, और भाई सब बर्निंग गोडजिला भी, और भाई सब छोटा वाला डायनासोर भी है, इसकी ऐसी की तैसी, लगता है भाई सब गोड के घर में यार ये लोग कब्जा कर लिए हैं। अबे यार फ्रैंकलिन, नजर उठाकर चारों तरफ तो देखो यार, बहुत सारे गोडजिला इस घर को कब्जा कर लिए हैं। अरे हाँ यार चुप, छोटा वाला डायनासोर भी है, अगर यार इन लोगों को खत्म नहीं किए तो अपन लोग यार इस कार को नहीं ले जा सकते। अरे इसकी ऐसी की तैसी, मैं इन सबका बैंड बजा देता हूँ, रुक जा भाई रुक जा। अरे फ्रैंकलिन भैया,
सीधे मुंडी में निशाना लगा इन लोगों का। अरे हाँ यार पिंचेन, मैं एक को भी नहीं छोड़ने वाला, रुक जा भाई रुक जा। अरे यार गाइस देख रहे हो भाई, कितने सारे डायनासोर हैं, और भाई सब ये लोग यार मॉन्स्टर कार को यहाँ पर छुपा करके रखे हैं। इसका मतलब है यार ये गोल्ड की मॉन्स्टर कार को यार कहीं से चुरा के लाए हैं। अरे भाई सब यहाँ तो यार बहुत सारे बर्निंग गोल्ड जिला है। अरे यार गाइस देख रहे हो यार मैं किस तरह से इन लोगों को उड़ा रहा हूँ। अरे यार फ्रैंकलिन भैया तुम तो यार कमाल ही कर दिए, एक भी डायनासोर को यार तुम नहीं छोड़ रहे, सबकी बैंड बजा दी यार तूने। अरे हाँ यार सिंचेन लगता है भाई साहब सबको खत्म कर दिया, लेकिन ये क्या, यहाँ तो यार बहुत सारे बर्निंग गोड जिलाते। ओ माय गॉड क्या ही गिरे हैं नीचे। अरे यार गाइस देख रहे हो यार मैं किस तरह से इन लोगों को उड़ा रहा हूँ। अरे यार जल्दी से आप हम लोगों को सपोर्ट करो, जल्दी से यार आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ताकि हम लोग यार इस गोल्ड वाले मॉन्स्टर कार को ले जा सके। अरे भाई साहब यहाँ पर भी बर्निंग गोड जिला है। अबे यार सिंचेन ये तो भाई लोग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। अरे यार गाइस जब तक इन सभी को खत्म नहीं कर दूं तब तक यार हम लोग गोल्ड की मॉन्स्टर कार को नहीं ले जा सकते। अरे भाई साहब यहाँ तो ओजो है ओजो, ये ले रॉकेट लॉन्चर खा, अब आया ना मजा। अरे यार ये देखो गोड जिला यहाँ पे मर के पड़ा हुआ। अरे यार फ्रैंकलिन भैया ये ओजो तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा यार, इसके पेट में मार। अरे भाई बच गया बच गया। अबे यार फ्रैंकलिन अभी यार इसके बड़े बड़े दांत मेरे पेट के अंदर में घुस जाता यार। अरे यार ये ओजो तो बहुत ही खतरनाक था। गाइस यार लगता है भाई साहब हमने सबकी बैंड बजा दी, लेकिन ये क्या पानी के अंदर में अभी भी ये जिंदा है। ले बेटा रॉकेट लॉन्चर खा, अब आया ना मजा। अबे यार सिंचेन पिंचेन हमने लगता है यार सभी को मार डाला है, अब यार हम लोग आसानी से इस मॉन्स्टर कार को ले जा सकते हैं। अरे यार फ्रैंकलिन भैया ये मॉन्स्टर कार तो यार बहुत ही ज्यादा महंगी लगती है मेरे को, लगता है भाई साहब पूरे लॉस सैंटोस में किसी के पास भी ये वाली मॉन्स्टर कार नहीं होगी यार। अरे हाँ यार सिंचेन तुम लोग यार सबको एक गाड़ी में बैठ जा, अब भाई मैं इसे ले जाने वाला हूँ। अरे यार गाइस मैं तो चला यार सीधे नीचे लॉस सैंटोस में। अरे यार गाइस ये तो बहुत ही जोर के हिचकोले खा रहा है यार, मैं तो यार सीधे लैंड करने वाला हूँ पार्क में। अरे भाई साहब मैं तो यार सीधे पेड़ से ही टकरा गया। अरे यार पानी में गिरते गिरते बच गया यार। अबे यार फ्रैंकलिन अच्छे से ड्राइविंग करना यार, डरा क्यों रहा है तू। अरे भाई साहब तू यार इस तरह से चलाता है जैसे यार दो टायरों में चलती है ये कार। अरे यार गाइस लगता है भाई साहब चोप डर चुका है, इसके वजह से यार वो बोल रहा है कि यार अच्छे से गाड़ी चलाओ, इसको यार समझ में नहीं आता क्या। भाई साहब ये मॉन्स्टर कार है मॉन्स्टर कार, देख रहे हो यार ये किस तरह से चलता है। अरे यार गाइस जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपन लोग को सपोर्ट करो यार, देख लो भाई साहब अपन लोग के पास में किस तरह की मॉन्स्टर कार आई है। अरे यार फ्रैंकलिन भैया बेनी की सभी मॉन्स्टर कार इसके सामने चूहा के जैसे दिखाई दे रहे हैं यार। अरे हाँ यार सिंचेन चल यार आजा आजा, जरा बेनी को भी तो बताएं कि भाई अब अपन लोग के पास में कौन सी गाड़ी आई है। अबे बेनी देख पीछे अपन लोग के पास में कौन सा मॉन्स्टर कार है। अरे अरे तुम्हारे पास एक मॉन्स्टर कार है तो क्या हुआ, मेरे पास में दो मॉन्स्टर कार है, तुमसे ज्यादा अमीर हूँ मैं अभी भी, समझा क्या। एक मॉन्स्टर कार लेकर के आ गए तो अपने आप को क्या समझ रहे हो तुम। अबे बेनी तू यहीं पे रुकना, अभी लेकर के आते हैं एक और मॉन्स्टर कार। अबे सिंचन पिंचन चुप चल आजा आजा। अबे यार फ्रैंकलिन अब कहाँ जा रहे हो यार तुम। अबे यार चुप इस वाले पोर्टल में भाई सब एक बार और घुसते हैं, हो सकता है यार अपन लोग को एक और महंगी वाली कार मिल जाए, उसके पास में तो भाई सब अभी भी बहुत ही महंगी महंगी कार है यार। अरे हाँ यार फ्रैंकलिन भैया चलो यार घुस जाते हैं, हो सकता है यार इस बार मेरे को एक अच्छी वाली आरसी कार मिल जाए। अरे हाँ यार सिंचन आजा आजा, लेकिन याद रखना यार गोड जिला का यार दुश्मन भी मिल सकता है वहाँ पर अपन लोग को। अबे यार फ्रैंकलिन ये कहाँ गए यार अपन लोग। अरे यार चुप लगता है भाई सब वो जो घर दिखाई दे रही है ना उसके अंदर में यार कोई महंगी कार है। चल यार आजा आजा थोड़ी सामने से जा कर के देखते हैं, अगर भाई सब कोई महंगी वाली कार मिल जाती है तो यार अपन लोग यार अमीर भी बन सकते हैं। अरे यार तुम लोग सब कोई भी छुप जाओ। अरे यार फ्रैंकलिन भैया ये तो यार कोई राजा महाराजा का घर लगता है, लेकिन भाई सब एक भी गाड़ी भी नजर नहीं आई अभी तक। अबे यार फ्रैंकलिन और ना ही यार गोड जिला का कोई दुश्मन नजर आया अभी तक। अबे यार चुप एक काम करते हैं भाई सब ड्रोन से देखते हैं
हैं। आखिर यार इस घर के अंदर में है क्या क्या? अबे यार चुप, भाई सब कुछ नजर आ रही है मेरे को। अरे यार यहाँ तो बहुत ही महंगी वाली कार नजर आई यार। अरे हाँ यार, ये तो यार मिलिट्री की कार है, ये तो भाई सब बहुत ही ज्यादा महंगी है यार। अरे हाँ यार सिंचेन, और भाई सब इधर क्या? अरे यार यहाँ तो भैंसा सुर है, भैंसा सुर, और उसके प्रोटेक्शन में एक छोटे छोटे खरगोश भी गन लेकर के हैं। अरे यार ये भैंसा सुर लगता है भाई साहब कोट जिला का दुश्मन है, दुश्मन। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, ये छोटे वाले खरगोश तो बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं मेरे को यार, गन लेकर के। अरे भाई साहब बहुत सारे हैं यार, और ओजो भी है, ओजो, और ओजो का भाई है यार। यहाँ तो काले काले और अच्छे अच्छे हिरन है जो यार बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, गोल्ड की मिलिट्री कार मिल गई है यार। अरे हाँ यार सिंचेन, भाई सब उसके सामने तो हीरे के भंडार है। अरे भाई सब कितने सारे हीरो के बीच में ये कार है यार। अरे यार हम लोग अगर इसे चुरा लिए तो भाई अमीर हो जाएंगे अमीर। अबे यार फ्रैंकलिन, उन खरगोशों के पास में तो भाई सब गन है गन, और मेरे को यार बहुत जोर की डर लग रहा है यार। तू यार उसे जरूर से जरूर टपकाना, वो लोग मेरी यार पिछवाड़े में कहीं गोली ना मार दे यार। खरगोश तो यार मेरा यार जानी दुश्मन है, जानी दुश्मन। तू यार जैसे ही उसे देखेगा ना उसे टपका देना। अरे यार मार यार मार, एक तो यार लगता टीवी देख रहा था ये। अबे हाँ यार चुप, भाई सब तू चुप हो जाना, अपने मुंह बंद करना यार। तू छुप छुप के यार इन सभी को मारना होगा, बहुत सारे। ये ले भाई देखो यार, ये लोग मीटिंग कर रहे हैं। अरे यार इन लोगों को भाई सब पता ही नहीं है कि हम लोग यार इन लोगों की गाड़ी चुराने के लिए आए हैं। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, लगता है ओजो को पता चल गया कि हम लोग यार उसके घर में घुस गए हैं। अरे यार मार यार ओजो को मार। अरे हाँ यार सिंचेन, भाई सब ये ओजो तो यार खा पी करके अपना पेट बड़ा कर लिया है। अरे भाई सब लगता है मैंने यार भैंसा सुर को उड़ा दिया। अरे यार गाइस देख रहे हो, भाई सब ये खरगोश कितने ही ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। फ्रैंकलिन, भैंसा सुर नहीं मरा है, देख यार देख, भैंसा सुर अपन लोग को देख रहा है यार। अरे इसकी ऐसी की तैसी। अरे यार चुप, भैंसा सुर भी यार लगता है टपक गया। अरे फ्रैंकलिन भैया, तूने तो यार कमाल ही कर दिया, एक ही रॉकेट लॉन्चर में इसकी बैंड बजा दी यार तूने। अरे यार बस यार उस ओजो का भाई जिंदा है, उसके बाद तो यार मिलिट्री वाली कार अपन लोग की हो जाएगी। जल्दी से मारी ओजो का भाई बोजो को। अरे ओजो का भाई बोजो, अरे यार इसको तो यार लग ही नहीं रहा। अरे बोजो तेरी ऐसी की तैसी, अब गया ना यार तू। अरे वाह यार तेरा क्या ग्रेट निशाना है यार। अरे बोजो कहाँ गया तू? भाई यार पिंचेन, सभी बोजो को यार मैंने नानी घर भेज दी, और ये रहा यार लास्ट बोजो को भी मैंने टपका दिया। अबे यार सिंचेन पिंचेन क्यों, भाई गोल्ड की मिलिट्री कार मिली है अपन लोग को। अरे यार गाइस जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक करके अपन लोग को सपोर्ट करो यार। भाई साहब अपन लोग को यार गोल्ड की मिलिट्री कार मिली है जो यार बहुत ही ज्यादा महंगी है, और यार इसके सामने तो यार कितने सारे डायमंड्स भी हैं। अबे यार सिंचेन भाई अपन लोग बहुत ही ज्यादा अमीर होने वाले हैं। अरे हाँ यार फ्रैंकलिन भैया, तू ठीक ही बोल रहा है यार। अरे यार गाइस जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपन लोग को सपोर्ट करो यार। अरे हाँ यार गाइस 5000 लाइक्स तक पहुंचा दो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी। अरे यार चोप सिंचेन पिंचेन, भाई जल्दी से इस गाड़ी में बैठ जा, अब यार हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। अरे हाँ यार चलो यार चलो। अरे यार गाइस देख सकते हो भाई सब कितनी ही खतरनाक वाली मिलिट्री कार है। हम लोग यार कितने ही ऊपर से जंप लगाया लेकिन भाई सब कुछ भी नहीं हुआ। अबे यार फ्रैंकलिन, भाई सब जब बेनी देखेगा ना इस कार को, अरे यार उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। अरे हाँ यार गाइस चोप ठीक ही बोल रहा है यार, बेनी यार जब इस कार को देखेगा ना भाई उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। देख रहे हो यार कितनी ही शानदार तरीके से चलती है, और भाई इसके अंदर तो इतने सारे गोल्ड हैं, इतने सारे गोल्ड कि अगर यार इसको बेचे ना तो भाई हम लोग यार करोड़पति क्या अरबपति बन जाएंगे। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, मैं तो यार बोलता हूँ इस यार मिलिट्री कार को बेच देते हैं, और यार एक खतरनाक वाला बंगला, और यार बहुत सारे आरसी कार खरीदते हैं यार। अबे यार फ्रैंकलिन, ये सिंचेन के बातों पे मत आना यार तू, गोल्ड जिला यार अपन लोग को किसी भी तरह से ये गोल्ड की मिलिट्री कार दी है यार, इसे मत बेचना यार तू। अबे चुप चुप यार चुप, देख यार बेनी यहाँ पर खड़ा है, और यार अपन लोग का मोस्टर कार भी है, और यार ये रहा यार गोल्ड की मिलिट्री कार। अबे बेनी क्या बोला था तुम हम लोगों को भिखारी, देख अपन लोग के पास में भाई अब तीन तीन मोस्टर कार है, बड़ा वाला मिलिट्री कार, बड़ा वाला मोस्टर कार, भाई गोल्ड के हैं वो भी। अरे यार फ्रैंकलिन, तुम यार मेरी बात को गुस्सा मान गए यार, तुम्हारे पास में सच में यार बहुत ही अच्छी वाली मिलिट्री कार आ चुकी है। बहुत ही अच्छा है यार ये, बहुत ही ज्यादा शानदार लग
लग रहा है। अरे यार इससे भी शानदार तो ये वाली है, ये तो यार प्योर गोल्ड की है 24 कैरेट, और ये तो यार बहुत ही खतरनाक वाली मॉन्स्टर कार लग रही है मेरे को। अरे यार फ्रैंकलिन, मैं यार तेरे को ये सभी कार को यार 1 मिलियन क्या, मैं यार $10 बिलियन देना चाहता हूँ यार। दे दे यार मेरे को प्लीज यार प्लीज। और यार मैं तेरे को भिखारी बोला ना, सॉरी यार सॉरी। और साथ में यार सभी आरसी कार भी फ्री में दे दूंगा यार। ये रहा यार मैं तेरे को $10 बिलियन दिया हूँ, मान जा यार मेरी बात। अबे यार फ्रैंकलिन ले ले यार $10 बिलियन, बहुत पैसे होते हैं भाई। ठीक है यार बेनी, तू यार मेरी गोल्ड वाली मॉन्स्टर कार रख ले। भाई मैं यार तेरा $10 बिलियन रख लेता हूँ। अबे यार सिंचन पिंचन चोप भाई, चारों तरफ पैसे ही पैसे। अरे यार $10 बिलियन मिले हैं अपन लोग को। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, और साथ में सभी आरसी कार भी अपन को मिल गया है यार, अब तो यार मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। अरे हाँ यार सिंचन, बस यार इन सभी पैसों से यार अपन लोग यार एक बड़ा सा बंगलो खरीदेंगे और यार घूमने फिरने के लिए जाएंगे। अरे यार गाइस, आप लोगों ने तो सपोर्ट करके कमाल ही कर दिया यार, हम लोग यार अब बिलीनियर बन चुके हैं। और यार गाइस, अगर आप लोग अभी तक यार इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई 5000 लाइक तक यार जल्दी से पहुंचा दो इस वीडियो को। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।